नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम स्टोरी नए एपिसोड। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रुचि सिंह हत्याकांड केस, पिता ने गोली मारकर किया हत्या, उत्तर प्रदेश आगरा की कहानी। तो आइए जानते हैं रुचि सिंह को क्यों उतारा मौत के घाट, आखिर क्या वजह थी जो अपनी बेटी के साथ ऐसा करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा से यही कोई 30 किलोमीटर दूरी पर बसा है एक गांव चौगान। इसी गांव में अमर सिंह अपने पीछे चार बेटों और दो बेटियों का भरा पूरा परिवार छोड़ गया था। उसके बेटों में शेर सिंह सबसे छोटा था। पढ़ाई में तो वह ठीक ठाक था और खेल कूद में भी अव्वल था। वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, इसीलिए कॉलेज की क्रिकेट टीम का वह कप्तान था। जिस विमला देवी इंटर कॉलेज में वह पढ़ता था, उसी कॉलेज में उसके पड़ोस में रहने वाले अशोक सिंह की बेटी रुचि सिंह भी पढ़ती थी। उसे भी खेलकूद में रुचि थी, इसलिए वह भी स्कूल के खेलों में भाग लेती रहती थी। भले ही रुचि सिंह और शेर सिंह के परिवारों में कोई जान पहचान नहीं था, लेकिन एक ही कॉलेज में पढ़ने की वजह से शेर सिंह और रुचि सिंह में दोस्ती होने लगी थी। साथ आने जाने और खेल के मैदान में मिलते रहने की वजह से रुचि और शेर सिंह के बीच का प्यार पनप उठा, उन्हें पता ही नहीं चला। हंसी मजाक और छेड़छाड़ में उनका ये प्यार बढ़ता ही गया। जब उन्हें लगा कि मिलने के दौरान वे पूरी बातें नहीं कर पाते तो उन्होंने बातें करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना शुरू कर दिया। फिर तो उनके बीच रात को लंबी लंबी बातें होने लगी। शेर सिंह के पास अपनी मोटरसाइकिल थी, इसलिए रुचि कभी कभार उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके साथ आगरा घूमने जाने लगी। ऐसे में ही रुचि और शेर सिंह का प्यार शारीरिक संबंध में बदल गया। दोनों घर के बाहर तो मिलते ही थे, मौका देखकर रुचि शेर सिंह को अपने घर भी बुला लेती थी। इसमें मोबाइल फोन उनकी पूरी मदद करता था। रुचि जब भी घर में अकेली होती फोन करके शेर सिंह को बुला लेती। रुचि की दोनों बहनें एक ही कमरे में एक साथ सोती थी, जबकि रुचि पढ़ाई के बहाने अलग कमरे में अकेली ही सोती थी, क्योंकि अकेली होने की वजह से रात में उसे शेर सिंह से बातें करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। एक समय ऐसा आ गया, रुचि रात को घर वालों की उपस्थिति में ही रात को शेर सिंह को अपने घर बुलाने लगी। उसी बीच गांव के किसी आदमी ने रुचि के पिता अशोक सिंह को बताया कि उसने उनकी बड़ी बेटी रुचि को गांव के ही शेर सिंह की मोटरसाइकिल पर बैठकर शहर में घूमते देखा है। अशोक सिंह के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। जिस घर परिवार से कोई जान पहचान न हो, उस घर के लड़के के साथ बेटी के घूमने का मतलब वह तुरंत समझ गए, उनकी बेटी गांव के ही लड़के के साथ घूम रही है। ये सुनकर उनका खून खौल उठा। अशोक सिंह ने तुरंत अपने भाइयों को बुलाया और दरवाजे पर कुर्सियां डालकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद रुचि लौटी तो सिर झुकाए सीधी घर की ओर चली जा रही थी। उसके हाव भाव से ही लग रहा था कि वह कोई गलत काम करके आई है और घर वालों से नजरें छिपा रही है। रुचि घर में घुसती उसके पहले ही अशोक सिंह ने कहा, रुचि जरा इधर तो आना। रुचि उनके सामने आकर खड़ी हो गई। जब उसकी नजरें पिता से मिली तो उसकी तो जैसे हालात ही सूख गई। नजरों से ही उसने भांप लिया कि पिता गुस्से में हैं। वह रुचि से कुछ कहते उनके भाई ने कहा, इसे जाने दो, इससे घर के अंदर चलकर बात करेंगे। रुचि चुपचाप घर चली गई, लेकिन वह समझ गई कि आज का दिन उसके लिए ठीक नहीं है। उसकी यह आशंका तब और बढ़ गई जब उसके घर के अंदर आने के 10 मिनट बाद ही बाहर से शेर सिंह के रोने चीखने की आवाजें आती उसे सुनाई दी। दरअसल शेर सिंह रुचि को गांव के बाहर अपनी मोटरसाइकिल से उतार कर रुक गया था, जिससे गांव वालों को यही लगे कि दोनों आगे पीछे आए हैं। रुचि घर पहुंच गई होगी, ये सोचकर वह अपने घर जाने लगा तो अशोक सिंह ने आवाज देकर उसे बुला लिया। वह जैसे ही उनके पास पहुंचा, तीनों भाई लाठी डंडा लेकर उस पर मारने लगे। वह बचाव के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन किसी की क्या कहें, उसके भाइयों तक की हिम्मत नहीं पड़ी कि वे उसे बचाने आते। अशोक सिंह और उनके भाई मारपीट कर थक गए तो उसके भाइयों से कहा कि इसे उठा ले जाओ। भाइयों ने शेर सिंह को घर लाकर इस मारपीट की वजह पूछी तो उसने सच न बताकर कहा कि वह उधर से गुजर रहा था। तभी अशोक ने उसे रोक लिया और भाइयों के साथ पिटाई करने लगा। शेर सिंह के भाई भी पैसे वाले थे, उन्होंने सच्चाई का पता लगाने के बजाय शेर सिंह को साथ ले जाकर पुलिस चौकी पहुंचे और अशोक सिंह तथा उसके भाइयों के खिलाफ मारपीट की तहरीर दिलवा दी। पुलिस ने अशोक सिंह को चौकी पर बुलवा कर मारपीट की वजह पूछी तो अशोक सिंह ने जो बताया उससे शेर सिंह के भाइयों को भी सच्चाई का पता चल गया।
सच्चाई पता चलने पर पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई इसलिए नहीं की कि गांव की बात है, आपस में मामला सुलझ जाएगा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो शेर सिंह को गुस्सा आ गया। इतनी मारपीट के बाद उसे रुचि से दूर हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर सिंह इस मारपीट का बदला रुचि से शारीरिक संबंध बनाकर लेने लगा। रुचि बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ रही थी, जबकि शेर सिंह ने पढ़ाई छोड़कर छलेस चौराहे पर जनरल स्टोर की दुकान खोल ली थी। अशोक सिंह ने अपने मकान की छत पर आने जाने के लिए घर के बाहर से सीढ़ियां बनवा रखी थी, इसलिए उनकी छत पर जाना तो आसान था, लेकिन घर के अंदर उतरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए शेर सिंह ठंड की रातों में रुचि से मिलने उसके घर जाता था, तो बाहर से बनी सीढ़ियों से छत पर चढ़ जाता था। नीचे उतरने के लिए रुचि नीचे से साड़ी या रस्सी फेंक देती थी, जिसे आंगन की ओर बनी रेलिंग में बांधकर शेर सिंह नीचे आंगन में उतर आता था। उसके बाद रुचि उसे अपने कमरे में लेकर चली जाती थी। काम होने के बाद शेर सिंह जिस तरह आता था उसी तरह वापस चला जाता था, लेकिन ये सब ठंडी की रातों में ही हो पाता था। गर्मी के दिनों में सब बाहर सोते थे, इसलिए इस तरह दोनों का मिलना नहीं हो पाता था। इस बार भी ठंड आते ही जब सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने लगे तो रुचि शेर सिंह को रात में अपने घर बुलाने लगी। 11 नवंबर 2023 की रात को भी जब रुचि को लगा कि घर के सभी लोग सो गए हैं, तो उसने फोन करके शेर सिंह को आने के लिए कह दिया। गांवों में ज्यादातर लोग शाम को जल्दी खाकर सो जाते हैं, इसलिए गांवों में रात 10 बजे तक सन्नाटा पसर जाता है। गांव में सन्नाटा पसरते ही शेर सिंह अशोक सिंह के घर पहुंच गया। रुचि उसका इंतजार कर ही रही थी, इसलिए उसके छत पर आते ही उसने साड़ी फेंक दी। शेर सिंह रेलिंग में साड़ी बांधकर आंगन में उतरा और रुचि के साथ उसके कमरे में चला गया। रुचि और शेर सिंह कपड़े उतारकर शारीरिक संबंध के तैयार ही हुए थे कि उन्हें आंगन में किसी की पदपाप सुनाई दी। उन्हें लगा कि कोई लघुशंका के लिए उठा होगा। वे सांस रोककर उसके वापस कमरे में जाने का इंतजार करने लगे, लेकिन तब दोनों सहम उठे जब अशोक सिंह की आवाज उनके कानों में पड़ी। वह अपने दोनों बेटों सचिन और विपिन को आवाज देकर बाहर आने के लिए कह रहे थे। सचिन और विपिन के बाहर आते ही अशोक सिंह ने रुचि को आवाज देकर कमरे का दरवाजा खोलने को कहा। अब रुचि और शेर सिंह को समझते देर नहीं लगी कि उन्हें शेर सिंह के कमरे में होने की शंका हो गई है। रुचि और शेर सिंह जिस स्थिति में थे उस स्थिति में दरवाजा नहीं खोल सकते थे। दोनों ने जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। दरवाजा नहीं खुला तो अशोक सिंह ने दरवाजे पर जोर से लात मारकर एक बार फिर रुचि को दरवाजा खोलने को कहा। अब रुचि के पास दरवाजा खोलने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। डर से कांप रही रुचि ने दरवाजा खोला और तेजी से बाहर की ओर भागी। उसके बाहर निकलते ही शेर सिंह ने फुर्ती से एक बार फिर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। बाहर जाते ही रुचि ने कहा, पापा उसे कुछ मत कहना, उसकी कोई गलती नहीं है। रुचि का इतना कहना था कि तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। उसी के साथ रुचि के चीखने की आवाज शेर सिंह को सुनाई दी। चीखें ऐसी थीं जिन्हें सुनकर शेर सिंह को समझते देर नहीं लगी कि वे गोलियां रुचि के ऊपर दागी गई थीं। ये जानकर शेर सिंह का पेशाब निकल गया। रुचि को गोली मारने के बाद अशोक सिंह ने एक बार फिर कमरे का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन शेर सिंह जानता था कि उसके बाहर निकलते ही उसे भी गोली मार दी जाएगी, इसलिए उसने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद ठोकर मार कर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन दरवाजा मजबूत था इसलिए टूटा नहीं। कमरे के अंदर बैठा शेर सिंह मौत का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके पास मोबाइल तो था, लेकिन बैटरी खत्म हो जाने की वजह से वह बंद हो गया था, इसलिए वह भाइयों को फोन करके इस बारे में कुछ बता भी नहीं सकता था। वह मौत का इंतजार कर ही रहा था कि तभी पकड़ो पकड़ो की आवाजें आने लगी। ये शोर सुनकर गांव के कुछ लोग अशोक सिंह के घर के अंदर आ गए तो उन्होंने रोते हुए कहा, कुछ हथियारबंद बदमाश घर के अंदर आकर लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी लोग तो सो रहे थे, लेकिन रुचि जाग रही थी। उसने विरोध किया तो उसे गोली मार कर बदमाश भाग गए, लेकिन मैंने विपिन और सचिन की मदद से एक बदमाश को कमरे में बंद कर दिया है। गांव वालों की सलाह पर अशोक सिंह ने 100 नंबर पर फोन करके घटना की सूचना दे दी थी। गांव वालों के आ जाने और पुलिस को सूचना देने की बात सुनकर कमरे में बंद शेर सिंह की जान में जान आई। उसे लगा कि अब जो करेगी पुलिस करेगी, ये लोग उसका कुछ नहीं करेंगे। सूचना पाकर पुलिस अशोक सिंह के घर पहुंची और कार्रवाई करके शेर सिंह को थाने ले आए। थाने में की गई पूछताछ में जब उसने पुलिस को सच्चाई बताई तो सारा मामला ही उलट गया। इसके बाद थाना प्रभारी अमित कुमार ने अशोक सिंह को एकांत में बुलाकर जब कहा कि उन्हें सारी सच्चाई का पता चल गया है, इसलिए उनके लिए अच्छा यही होगा कि वह स्वयं ही सारी सच्चाई बता दें।
मजबूरन अशोक सिंह को सच बताना पड़ा। अशोक सिंह ने जो बताया उसके अनुसार रात में जब वह लघुशंका के लिए उठे तो उन्हें रेलिंग से बंधी साड़ी दिखाई दी। पहले तो उन्हें संदेह हुआ कि कहीं प्रेमी के विछोह में रुचि फांसी लगाकर आत्महत्या तो नहीं करना चाहती, लेकिन जब वह रुचि के कमरे के पास पहुंचे तो उन्हें कमरा अंदर से बंद मिला। इस बात पर उन्हें ताज्जुब हुआ क्योंकि रुचि का कमरा अंदर से कभी बंद नहीं रहता था। कमरे के अंदर से बंद होने और साड़ी के लटकने से उन्हें संदेह हुआ तो उन्होंने बेटों को आवाज दी। दोनों बेटों के साथ अशोक सिंह की पत्नी कमला देवी भी आंगन में आ गई थी। साड़ी को उस तरह लटकती देख सभी हैरान थे। इसके बाद अशोक सिंह ने रुचि के कमरे की ओर इशारा करके कहा कि ये दरवाजा अंदर से बंद है। उन्हें शक है कि अंदर रुचि के अलावा भी कोई है। इसके बाद अपना लाइसेंसी रिवाल्वर निकाल कर अशोक ने दरवाजा खोलने के लिए रुचि को आवाज दी। बेटे भी तमंचे लिए हुए थे। जब रुचि ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाजे पर लात मारी। पिता को गुस्से में देखकर रुचि कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागी। शायद उसके सलवार का नाड़ा ठीक से बंधा नहीं था, इसलिए भागते समय वह नीचे गिर गया। रुचि को उस हालत में देखकर अशोक सिंह समझ गए कि अंदर क्या हो रहा था। फिर क्या था, बाप बेटों का दिमाग घूम गया और उन्होंने हाथ में लिए हथियारों से रुचि पर गोलियां चला दी। कुछ गोलियां रुचि को लगी तो कुछ दीवारों पर जा लगी। रुचि को खत्म करके अशोक सिंह और उनके बेटों का ध्यान रुचि के कमरे की ओर गया क्योंकि कमरा एक बार फिर अंदर से बंद हो गया था। वे समझ गए कि कमरे के अंदर शेर सिंह है जो उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। एक बार फिर कमरा खोलवाने की कोशिश की गई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। कमरे का दरवाजा मजबूत था इसलिए जल्दी टूट भी नहीं सकता था। गोलियों की आवाजें सुनकर गांव वाले जाग गए थे। वे शोर मचाते हुए अशोक सिंह के घर की ओर दौड़ पड़े थे। उस स्थिति में अशोक सिंह ने घर वालों के साथ मिलकर तुरंत एक योजना बनाई। फिर उसी योजना के तहत वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि लूटने के उद्देश्य घर में घुस आए बदमाशों ने विरोध करने पर उनकी बड़ी बेटी रुचि को गोली मार दी है। गांव वालों से पूछने पर जब उन्होंने बताया कि हथियारों के बल पर एक बदमाश को बंधक बना लिया है तो गांव वालों ने उनसे 100 नंबर पर फोन कराकर घटना की सूचना दिला दी। अशोक सिंह ने होशियारी तो बहुत दिखाई लेकिन शेर सिंह ने जब सारी सच्चाई पुलिस को बता दी तो वह खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गए। सच्चाई का पता चलने पर पूरा गांव हैरान रह गया था। आइए अब जानते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस वाले ही नहीं अशोक सिंह के समर्थन में आए लोग भी हैरान थे। बंधक बनाए गए बदमाश यानी शेर सिंह ने पुलिस को जो बताया था उसके अनुसार यह घटना कुछ इस प्रकार थी। रात के यही कोई 11 बजे आगरा के थाना एतमादपुर के गांव चौगान से जिला नियंत्रण कक्ष को फोन द्वारा सूचना दी गई कि गांव के अशोक सिंह के घर हथियारों से लैस कुछ बदमाश लूटपाट के इरादे से घुस आए थे। घर वालों ने बदमाशों से मोर्चा लिया तो बदमाश भाग निकले, लेकिन लूटपाट का विरोध करने की वजह से जाते जाते बदमाशों ने अशोक सिंह की बड़ी बेटी को गोली मार दी है जिसकी तुरंत मौत हो गई है। बाकी बदमाश तो भाग गए लेकिन एक बदमाश को उन लोगों ने बंधक बना लिया है। खबर सनसनीखेज थी लिहाजा पुलिस कंट्रोल रूम ने तुरंत इस खबर को पूरे जिले में प्रसारित कर दी। चौगान गांव थाना एतमादपुर के अंतर्गत आता था इसलिए गश्त पर निकले एतमादपुर के थाना प्रभारी अमित कुमार ने जीप में लगे वायरलेस सेट से जैसे ही लूटपाट के इरादे से की गई हत्या की खबर सुनी तत्काल चौगान गांव के लिए रवाना हो गए। उस समय उनके साथ 6 सिपाही थे। जीप से ही उन्होंने फोन द्वारा इस घटना की सूचना पुलिस चौकी छलेस के प्रभारी टोडी सिंह को देकर चौगान पहुंचने के लिए कह दिया था। पुलिस को अशोक सिंह का घर ढूंढने में ज्यादा देर नहीं लगी। गोलियों की आवाज और चीख चिल्लाहट से पूरा गांव जाग चुका था इसलिए गांव में घुसते ही गांव वालों ने पुलिस को अशोक सिंह के घर पहुंचा दिया था। गांव वालों के साथ घर के बाहर खड़े अशोक सिंह अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ पुलिस का इंतजार कर रहे थे। घर के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। अशोक सिंह के अन्य भाई भतीजे भी वहां मौजूद थे। अशोक सिंह के जिस मकान में डकैती पड़ी थी वह 6-7 कमरों का एक मंजिला मकान था। उनका यह मकान चारों ओर से बंद था लेकिन छत से होकर मकान के अंदर आसानी से जाया जा सकता था क्योंकि छत पर जाने की सीढ़ियां बाहर से बनी थीं। पुलिस मकान के अंदर पहुंची तो देखा कि छत पर आंगन की ओर लगी रेलिंग से बंधी एक साड़ी लटक रही थी। पुलिस को अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि किसी बदमाश के इसी साड़ी के सहारे नीचे आकर बाकी बदमाशों के आने के लिए दरवाजे की कुंडी खोली होगी।
पूछताछ में अशोक सिंह ने बताया, साहब मैं अपनी पत्नी कमला देवी के साथ अपने कमरे में सो रहा था, तो मेरे दोनों बेटे सचिन और विपिन अपने अपने कमरों में सो रहे थे। एक कमरे में मेरी दो बेटियां सो रही थीं। चूंकि बड़ी बेटी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, इसलिए वह देर रात तक जागकर पढ़ाई करती थी। इसी वजह से वह अकेली अलग कमरे में सोती थी। रात पौने 11 बजे के आसपास मैंने बड़ी बेटी रुचि के चीखने की आवाज सुनी तो तुरंत कमरे से बाहर आ गया। वही आवाज सुनकर मेरे बेटे भी अपने अपने कमरे से बाहर आ गए थे। रुचि के चीखते ही तड़ातड़ गोलियां चली थीं। उसके साथ एक बार फिर रुचि चीखी थी। गोलियां चलाने वाले मुख्य दरवाजे की ओर भाग रहे थे, क्योंकि वे जान गए थे कि अब उनका मकसद पूरा नहीं होगा। तभी मेरी नजर रुचि पर पड़ी, जो गोलियों से घायल होकर आंगन में गिरी पड़ी थी। बाकी बदमाश तो भाग गए, लेकिन एक बदमाश नहीं भाग सका। उसे हमने हथियारों के बल पर कमरे में बंद कर दिया है। मामला काफी गंभीर था। आंगन में एक जवान लड़की की लाश पड़ी थी। उसके शरीर से अभी भी खून बह रहा था। आंगन की ओर दीवारों पर गोलियों के कुछ निशान नजर आ रहे थे। माना गया कि बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई होंगी, जिससे कुछ गोलियां दीवारों पर जा लगी थीं। घटना की सूचना थाना प्रभारी अमित कुमार ने पुलिस अधिकारियों को भी दे दी थी। इसी सूचना के आधार पर DIG विजय सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिम बबीता साहू, क्षेत्राधिकारी अवनीश कुमार गांव चौगान पहुंच गए थे। इन अधिकारियों ने भी घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के साथ अशोक सिंह तथा घर के अन्य लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। बंधक बना बदमाश अभी तक कमरे में बंद था। उसने अंदर से कुंडी लगा रखी थी। बदमाश के पास कोई भी हथियार हो सकता था। इस स्थिति में पुलिस ने उसे रात में निकालना उचित नहीं समझा, क्योंकि पुलिस का मानना था कि वह अपनी जान बचाने के लिए पुलिस पर भी हमला कर सकता है। पुलिस ने सुबह तक का इंतजार करना उचित समझा। सवेरा होने पर खिड़की और झरोखों से देखकर यह निश्चित कर लिया गया कि बंधक बनाए गए बदमाश के पास कोई हथियार नहीं है, तो पुलिस ने उसे दरवाजा खोलने को कहा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में जान की भीख मांगते हुए बदमाश ने दरवाजा खोल दिया। कमरे से निकला बदमाश 24-25 साल का हट्टा-कट्टा नौजवान था। बदमाश के बाहर आते ही पुलिस उसके साथियों के नाम पते पूछने लगी तो उसने रोते हुए कहा, साहब मुझे थाने ले चलो, क्योंकि यहाँ मेरी जान को खतरा है। थाने में मैं सब कुछ बता दूंगा। क्षेत्राधिकारी अवनीश कुमार ने बदमाश का मुंह ढक कर जीप में बैठाया और थाना प्रभारी अमित कुमार की देखरेख में उसे थाना एतमादपुर ले जाने के लिए कहा। इसके बाद अधिकारियों की देखरेख में चौकी प्रभारी टोडी सिंह ने घटनास्थल की कार्रवाई निपटाकर बदमाशों की गोली का शिकार अशोक सिंह की बेटी रुचि सिंह की लाश को पोस्टमार्टम के लिए आगरा KSN मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूसों के खोखे भी कब्जे में ले लिए थे। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर सहयोगियों के साथ चलने लगे तो उन्होंने अशोक सिंह से थाने चलकर रिपोर्ट लिखवाने को कहा। तब उसने बड़ी ही लापरवाही से कहा, सर आप चलिए, मैं घर वालों को समझा बुझा कर थोड़ी देर में आता हूँ। अशोक सिंह का ये जवाब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर की समझ में नहीं आया। जिसकी बेटी को बदमाशों ने मार दिया था और एक बदमाश पकड़ा भी गया था, इसके बावजूद भी वह आदमी मुकदमा दर्ज कराने में हिलावाली कर रहा था। वह उसे साथ ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, देखो रिपोर्ट जितनी जल्दी लिख जाएगी पुलिस उतनी ही जल्दी कार्रवाई शुरू कर देगी। तुम्हारी बेटी के हथियारों को पकड़ना भी है। बिना रिपोर्ट लिखे पुलिस कोई भी कार्रवाई करने से रही, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम्हें थाने चलकर रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की इस बात का अशोक सिंह पर कुछ असर पड़ा। उसने अपने भाइयों, पत्नी और बेटों से कुछ सलाह मशविरा किया और फिर पुलिस के साथ थाने आ गया। उसी के साथ गांव के तमाम अन्य लोग भी उस बदमाश को देखने थाने आ गए थे। पुलिस ने पहले तो गांव वालों को थाना परिसर से बाहर निकाला, क्योंकि वे बदमाश को सामने लाने की बात कर रहे थे। साथ ही वे ये भी कह रहे थे कि जल्दी रिपोर्ट लिखकर अशोक सिंह को जाने दो। गांव वालों को बाहर निकालकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर की उपस्थिति में पकड़े गए बदमाश से उसके साथियों के बारे में पूछा गया, तो उसने जो बताया उसे सुनकर पुलिस दंग रह गई। पता चला पकड़ा गया युवक बदमाश नहीं, उसी गांव का रहने वाला शेर सिंह था। उसने पुलिस को जो बताया था उसके अनुसार सारा मामला ही पलट गया था। उसके बताए अनुसार रुचि की हत्या का मुकदमा बदमाशों के बजाय उसके पिता अशोक सिंह तथा उनके बेटों के खिलाफ दर्ज करके
अशोक सिंह को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। जब इस बात की जानकारी थाने आए गांव वालों को हुई तो वे भी हैरान रह गए, क्योंकि अभी तक उन्हें ही पता नहीं था कि पकड़ा गया बदमाश कौन था और अशोक सिंह के घर में उस रात क्या हुआ था। दरअसल पुलिस ने कमरे में बंद शेर सिंह को जब बाहर निकाला था तो उसके मुंह को ढक दिया था, इसलिए गांव वाले उस समय उसे देख नहीं पाए थे। अशोक सिंह से पूछताछ के बाद पुलिस ने अज्ञात हत्यारों की जगह अशोक सिंह और उनके बेटों सचिन और विपिन का नाम दर्ज करके मामले में शस्त्र अधिनियम की धाराएं और बढ़ा दी। पुलिस ने अशोक सिंह को तो गिरफ्तार कर ही लिया था, विपिन और सचिन को गिरफ्तार करने गांव चौगान पहुंच गई, लेकिन विपिन और सचिन को इस बात की भनक लग गई थी, इसलिए पुलिस के पहुंचने के पहले ही दोनों भाई फरार हो गए थे। अशोक सिंह की निशानदेही पर पुलिस ने वे हथियार बरामद कर लिए जिनसे रुचि की हत्या हुई थी। इसके बाद पुलिस ने अशोक सिंह को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस सचिन और विपिन की तलाश कर रही थी, कथा लिखे जाने तक उनका कुछ पता नहीं चला था। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। धन्यवाद।